सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, एक नई खबर आ रही है जिसमें कहा गया है कि रशिया और इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को थर्ड कंट्रीज को बेचने के लिए तैयार हैं और वो इन मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर देंगे और इसके साथ ही 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस पर भी काम चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2019 के एंड तक ब्रह्मोस मिसाइल को थर्ड कंट्रीज को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाएंगे। ऑफिशियल्स का कहना है कि कुछ कंट्रीज ने हमें ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरीज के लिए अप्लाई किया था और इसकी जानकारी हमने अपने देशों की डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दी है और अभी हम अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री से इन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की परमिशन मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट इस साल के अंत तक साइन कर लेंगे। जब ऑफिशियल से पूछा गया कि किन कंट्रीज को ब्रह्मोस मिसाइल बेची जाएंगी तो उन्होंने कहा कि ये वो देश होंगे जो इंडिया और रशिया दोनों के साथ फ्रेंडली होंगे। PJ-10 ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया दोनों ने जॉइंटली डेवलप की है। ब्रह्मोस मिसाइल सोवियत एंटी शिप मिसाइल ऑनिक्स का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इस मिसाइल का नाम दो रिवर से आता है, इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर से और रशिया के मॉस्क्वा रिवर से। इस मिसाइल का पहला टेस्ट लॉन्च जून 12, 2001 को हुआ था। इस मिसाइल की प्रोडक्शन इंडिया और रशिया दोनों कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑफिशियल्स ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। टेक्निकली ये पॉसिबिलिटी है कि ब्रह्मोस की फ्लाइट रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल एयर, सी और ग्राउंड लॉन्चर वर्जन में अवेलेबल है और इसकी फ्लाइट रेंज 290 किलोमीटर की है। हमने 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का भी टेस्ट कर लिया है और वो लॉन्च सक्सेसफुल था। हम एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप करने पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इसके लिए इंडिया और रशिया दोनों की डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन भी मांगी जाएगी। टेक्निकली ये पॉसिबल है कि फ्लाइट रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।